नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, सुबह का समय है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। चार पांच दिन से बड़ा बढ़िया मौसम हो गया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, हवा चलती रहती है और सुबह का तो बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम। पेड़ों की हरियाली और पेड़ पौधे फूल सभी सुबह सुबह बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चारों तरफ मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के साफ सफाई कर दी है और रसोई के बर्तन अभी लगे नहीं हैं। रात ये मांजे थे, साफ सफाई तो रात को ही कर देते हैं, बर्तन रखते नहीं हैं रात को हम बिल्कुल। और दूध कड़ गया है, दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया है। और ये कल्पना ने बना दी है गेहूँ चने की रोटी और चाय बनाई है, तो अब पियेंगे चाय। इसके बाबा जाएंगे आज सिवाय के मूंजी बेकने के लिए, तो इसलिए दो रोटी खा के चले जाएंगे गेहूँ चने की चाय के साथ। तो फिर इन्हें काफ़ी देर भी लग सकती है, कोई पता नहीं, मंडी में बहुत भीड़ हो रही है आजकल। तो देखिए, दूध भी गर्म हो गया है और आज करनी है मुझे बैठक की थोड़ी साफ़ सफाई। हमने कर दी है सफाई की शुरुआत और अब नवरात्रि आ रही हैं, 10-12 दिन नवरात्रियों के रह रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक कमरे की सफाई कर लेंगे तो सही रहेगा, एकदम तो होती नहीं है। सफाई तो रोज़ ही होती है, रोड पे हमारा घर है, धूल मिट्टी बहुत आती है, पंखे वंखे इतने गंदे हो जाते हैं, महीने में करने ही पड़ते हैं, पर अब त्योहारों पर थोड़ी और अच्छी तरह से कर देंगे, दिवाली पे फिर हो जाएगी। तो कल्पना रोटी सब्जी बना लेगी और अंदर की साफ़ सफाई पोछा वोछा कर लेगी और मैं तब तक ये कवर उतार दूँगी और इस कमरे की पूरी सफाई कर दूँगी और ये कपड़े मैं उसको दे दूँगी, उतार के धो लेगी। तब तक खाने का टाइम होएगा, तब तक कपड़े ये धुल जाएंगे। थोड़ी धूल मिट्टी सी मैं इसी से झाड़ रही हूँ क्योंकि अब ये धुलेंगे तो हैं ही, तो नीचे से ज़्यादा गंदे नहीं है। पर्दे मैंने अभी एक महीने पहले धोए थे, उसका वीडियो भी डाला था, तो पर्दे धोने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम से साफ़ हैं पर्दे, तो चार पाँच महीने चली जाते हैं एक बार धो दो तो। और ज़्यादा धोने से बार बार बहुत आफत होती है पर्दों में, तो पूरे उतारने और अलग से धोने, कुंदे उंदे ख़राब हो जाते हैं मशीन वशीन में, तो ये मैंने हाथ से ही धोए थे पर्दे तो सब पहले। और देखिए, पता नहीं अब एक दो दिन बाद दूसरे कमरे का नंबर लगेगा, सिवाय की बात है, कभी कभी तो खेलता रहता है तो काम में, कभी कभी इतनी जिद करता है कि फिर काम नहीं हो पाता है, मैं इसी को फिर खिलाने में लगी रहती हूँ। पर्दों के बाद थोड़ा ऊपर भी पोंछ दूंगी, जो ऊपर फोटो वोटो लगे हैं और शोकेस में भी थोड़े फोटो लगे हैं। धूल तो हर जगह घुसती है, अंदर भी शीशे के अंदर भी चली जाती है, कहीं भी कुछ भी रख दो तो धूल तो बहुत ही आती है। साफ सफाई घर में करते रहते हैं तो मन भी लगता है, वरना इधर उधर सामान हो या फिर थोड़ी भी गंदगी हो तो देखने में ही खुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद मैंने बाल्टी में ले लिया है पानी और ले लिया है एक कपड़ा, तो ऊपर थोड़ा
थोड़ा कर देंगी, फिर सोफे पे पर्दे बिछ जाएंगे तो फिर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए फिर सफाई होती है तो एक तरफ से पूरे में हो जाए, बार बार एक कमरा पूरे दिन में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा आप कर दो थोड़ा, फिर तो बीच में ही फैला रहता है। तो इस कमरे को तो मैं आज ही पूरा सेट कर दूंगी पूरी सफाई करके। अब थोड़ा जल्दी ही मेरा काम हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत अच्छे से सफाई करी थी, तो अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहते हैं तो टाइम इतना नहीं लगता। सिवाय भी ऊपर चढ़ रहा है और फोन आ गया है किसी का, तो मैं सुन रही हूँ फोन, कल्पना मुझे दे गई है, तो देखिए उसके बाद शोकेस पूरा साफ हो गया और गेट पे भी धूल मिट्टी बहुत जम जाती है तो इसको भी मैं थोड़ा साफ कर लूँगी। एकदम पॉलिश वाला गेट है तो थोड़ा साफ कर देते एकदम चमक जाता है, और एक कपड़ा लेके सिवाय भी घूम रहा है पीछे पीछे, उसको काम करने का बहुत शौक है अभी तो, अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल फिर नहीं करेगा, अभी तो हर काम पे मैं झाड़ू लगाऊंगा, छोटी झाड़ू लाओ और मैं सफाई करूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो गेट भी साफ हो गया है अच्छे से, बाहर का गेट है जाली का, थोड़ा इसे भी साफ कर लूँगी। थोड़ी जल्दी जल्दी सफाई कुछ करनी पड़ती है सिवाय की वजह से, क्योंकि गेट वेट भी खोलता है, ज़्यादा धूल उल रहती है तो हाथ हाथ गंदे होते हैं बाहरली साइड के, तो जल्दी जल्दी करते रहते हैं तो थोड़ा साफ ही रहते हैं। पर्दे कल्पना ने धो दिए हैं तो अंदर ही डाल दिए हैं क्योंकि हल्के से तो हैं ही, थोड़ी ही देर में ही सूख जाएंगे। तो देखो इसने सब उतार भी लिए हैं, और उतारने के बाद सिवाय ने मम्मा मम्मा करके बुला ली है तो इनकी तह मैं लगा दूंगी। अब अभी मैं कवर भी बिछाऊंगी और ये चद्दर तो मैंने बिछा दी है दीवान की, तकिए भी लगा दिए हैं और अब बिछा रही हूँ सोफे पे कवर। आज नहाने के लिए मैं थोड़े लेट हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई का काम है तो नहा के करो तो अच्छा नहीं लगता, बाद में ही नहाऊंगी। तो सोफे के कवर मैंने लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं। और ये मेज़ पे कपड़ा मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि सिवाय ने कई बार चोट लगवा ली थी इसमें, शीशे में आके एकदम भाग के आके तो थोड़ी में चोट लग गई थी सिवाय के। तो देखिए दोस्तों आज हमारी सफाई शुरू हो गई है और नवरात्रि के 15 ही दिन बचे हैं, तो उससे पहले ही साफ़ सफाई थोड़ी हो जाती है, ऐसे तो सफाई रोज़ ही करते हैं, हमारा रोड पे घर है तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, लेकिन फिर अच्छी तरह से करनी पड़ती है थोड़ा महीना भी 2 महीने में, तो इसके बाद दिवाली पे हो जाएगी। तो आज हमने 2 बजे निपटी थी, मैं पूरा काम करके खाना वाना बना लिया था कल्पना ने,
और कपड़े सब धुल दिए। सारा काम उसी ने किया था, मैंने केवल एक कमरे की साफ़ सफाई की, तो भी 2 बज गए। उसके बाद मैं नहा के लेट गई और अब आज चाय के बाबा नहीं है, थोड़ा मैं भैंसों का भी काम करूँगी। अब बना दी है कल्पना ने चाय, तो मैं पी रही हूँ चाय, आप भी पी लीजिए, आ जाइए। तो दोस्तों ये आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी राम राम।